साथ 2013 से वाबस्ता हूँ, 13-14 से मैं स्पोर्ट्स का जो स्पोर्ट्स लीड करते हैं, मैं और दाऊद खान, तो हमने मुख्तलिफ इवेंट्स में हमने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। मैं पहले सबसे पहले अपना जो वाबस्तगी कहाँ से स्टार्ट हुआ और किस तरह, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। 2013 में पहली दफ़ा मेरी मुलाकात रियाज बलोच साहब से हुई, तो थोड़ी सी बातचीत हुई डिसेबिलिटी के ऊपर कि हम किस तरह डिसेबिलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं। 2010 से क्वेटा ऑनलाइन जब से वजूद में आया है उसमें डिसेबिलिटी के ऊपर भी बहुत से काम हुए हैं, तो उसमें उन्होंने मुझे ऑफर की कि आप ही आए अपने खिदमत पेश करें कि डिसेबिलिटी के ऊपर काम करें। तो उससे पहले भी मैं स्पोर्ट्समैन रह चुका हूँ, तो उन्होंने मुझे ऑफर की कि आप स्पोर्ट्स को लीड कर सकते हैं, तो मेरी वाबस्तगी वहाँ से शुरू हुई। और मेरा पहला जो एक्टिविटी था, ज़ेबरा भाई अगर आपको याद हो, 2013-14 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमने ज़ेबरा क्रॉसिंग जो मनाई थी, मेरा पहला एक्टिविटी वो था जब पहली दफ़ा जनवरी या दिसंबर या जनवरी का महीना था, सख्त सर्दी, कोयला की सर्दी आप सबको मालूम है किस तरह होती है। तो पहली दफ़ा मैं जा रहा था कि कुछ ऐसे अनजान लोगों में जिनको आज से पहले मैं नहीं देखा था, उनके साथ मेरी मुलाकात नहीं हुई थी, जान पहचान नहीं थी, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि पता नहीं किस तरह होगा। मैं घर से भी इतना नहीं निकलता था, फर्स्ट टाइम मैं घर से निकला हूँ और अकेला उस दिन मैं, सब कोई था भी नहीं, तो मैं रक्षे के थ्रू आया। हमने GPO चौक पे तकरीबन ये एक्टिविटी करनी थी, तो वहाँ गया, ज़िया भाई से मुलाकात हुई, जागीर भाई, दाऊद, मलिक साहब से, बाकी दोस्तों से, रियाज से सबसे मुलाकात हुई, मेरी बहन यानी शुमाइला से मुलाकात हुई, जरूना से मुलाकात हुई। तो इन सब को देख के मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ। लेकिन वहाँ थोड़ा सा स्टोरी भी आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था बिल्कुल कि भाई हम ये रोड के बीच में खड़े होकर क्या कर रहे हैं। पहली दफ़ा था तो मैं नर्वस थी, जिस तरह कह रहा था मैंने अपने जहन में एक खाका उसी टाइम बना लिया कि यार ये मज़ा नहीं आया मुझे, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं रोड पे, ऐसे पेंटिंग वगैरह कर रहे हैं, जो कि मैं वाकिफ नहीं था कोई ऑनलाइन से। लेकिन जैसे जैसे आगे एक्टिविटीज़ होती गई, जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता गया, तब मुझे पता चला कि हम कितना बड़ा काम कर रहे हैं, ज़िया कितना बड़ा काम कर रहा है, उसके साथ जो उसके कोर टीम के मेम्बर हैं वो कितना बड़ा काम कर रहा है। आजकल हमारे माशरे में जो नफसा नफसी का दौर है, हर कोई अपने कामों में मसरूफ है, लोग बल्कि माशरा पूरा बेहिस हो चुका है। हम एक ड्रामा देख के तो हमारे आंसू आ जाते हैं, लेकिन हकीकत को हम देख के कहते हैं ये ड्रामा कर रहा है, आजकल हम इस तरह हो गए हैं। तो इन सब को मद्देनजर रखते हुए जो काम क्वेटा ऑनलाइन कर रहा है, वो काम मैं कहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं कर रहा जो क्वेटा ऑनलाइन कर रहा है, और मुझे फख्र है क्वेटा ऑनलाइन का हिस्सा होने पे, क्योंकि हर इंसान की एक पहचान होती है। मैंने मास्टर्स की हुई है पाकिस्तान यूनिवर्सिटी से जूलॉजी में, जो इंशाल्लाह आगे भी एमफिल करने का इरादा है, लेकिन क्वेटा ऑनलाइन की तरफ से भी मेरी पर्सनैलिटी में एक, आप कहते हैं कि इजाफा हो गया, एक पहचान हो गई है। जहाँ भी जाता हूँ कुछ अनजान लोग मिलते हैं तो मुझे मिलते हैं, ग्रीट करते हैं, तारीफ़ करते हैं कि हमने आपको क्वेटा ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पर देखा है। तो इसके लिए ज़िया साहब आपका और सब दोस्तों का शुक्रिया कि आपने एक हमें ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ हम लोगों की खिदमत कर रहे हैं, जहाँ से हम अपना अपनी पहचान बना रहे हैं। अब आता हूँ मैं अपने स्पोर्ट्स का थोड़ा तजुर्बा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि स्पोर्ट्स में हमने बाकी सब जिस तरह दोस्त आए उन्होंने जैसे सैरिश इन्वायरमेंट जो एक्टिविटीज़ हैं उनको लीड करती हैं, रियाज डिसेबिलिटी को लीड करते हैं और अजबुल ब्लड को, तो मैं स्पोर्ट्स को लीड करता हूँ। आप सोच रहे होंगे भाई ये अभी तक खेल कूद करता रहता है, तो खेल कूद भी जो है ज़िंदगी का हिस्सा है हमारे माशरे में। अनफॉर्चुनेटली जो डिसेबल हो जाते हैं तो उनके लिए ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है, तो इस मुश्किल में इस दौर में भी लोगों के चेहरों पे हंसी लाना जो मैं स्पोर्ट्स के थ्रू कर रहा हूँ। हमारी यहाँ से टीम हर साल या हर दो साल बाद हम
तीन चार दफा जा चुके हैं, अहमदाबाद जा चुके हैं, हम पेशावर जा चुके हैं, इस्लामाबाद जा चुके हैं स्पोर्ट्स के लिए, जहाँ हम व्हील चेयर पे क्रिकेट खेलते हैं, मुख्तलिफ स्पोर्ट्स होते हैं, जिस तरह वहाँ ओलंपिक्स हुआ था अभी 2 साल पहले, तो उसमें हमारे 4 गोल्ड मेडल भी हम जीत के लाए थे और 7 सिल्वर मेडल भी जीत के आए थे, जो हमारे लिए एक बाइस फखर है कि हमने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और वहाँ हमने ये गोल्ड मेडल जीत के ले आए। मैं जैसे पहले इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ कि मैं पहले स्पोर्ट्स में था, तो जब हम से फर्स्ट टाइम यहाँ से पेशावर जा रहे थे तो मेरे जहन में एक खाका बन रहा था कि हम वहाँ पे क्रिकेट खेलने जा रहे हैं जिसमें मुझे काफ़ी अबूल हासिल है, तो बहुत खुश हो रहा था कि मैं क्रिकेट जाऊँगा, बलूचिस्तान के लिए जीत के लाऊँगा। लेकिन जब वहाँ गए हम वहाँ देखा कि किस तरह वो लोग क्रिकेट खेलते हैं, किस तरह प्रोफेशनलिज्म की तरफ वो लोग गए हैं, वो हमसे काफ़ी आगे थे, लेकिन जितना हम अपने से कर सकते थे हमने किया और सेमीफाइनल तक हम आए। लेकिन हमारे यहाँ जो है एक दफ़ा फिर वही रोना होगा कि फैसिलिटीज़ की कमी है, हमारे यहाँ ग्राउंड्स नहीं है एक्सेसिबल डिसेबल्स के लिए कि जहाँ हम जाएँ प्रैक्टिस करें अब अकेले। लेकिन उसके बावजूद क्वेटा ऑनलाइन के थ्रू जितना हम लड़ सकते हैं हम इस उसमें लड़ रहे हैं। आप सबका शुक्रिया, आप आए, मैं मुझे वेलकम करना था डॉक्टर ताहिर साहब को, डॉक्टर सरमद साहब, वीर बैराम लहरी साहब, वीर बैराम बलोच, और खुजदान से आई हुई हमारे दोस्त जहरी से आई हुई बहने कुछ आए उनको पिशीन से जो दोस्त आए हैं उन सबको वेलकम। और ये जिस तरह ज़िया ने कहा कि वो एक बंदा उसने एक डिसीजन ली थी कि मैं माशरे के लिए कुछ करूँगा अपने सारे डिसबिलिटीज वगैरह को छोड़ के, वो एक बंदा चलता रहा और कारवां बनता रहा। तो आप जब जो नए चेहरे आए हैं इंशाल्लाह आप आगे यहाँ मेरी जगह खड़े होकर या बैठ कर आप भी स्पीच दे रहे होंगे, अपने अचीवमेंट्स के बारे में बता रहे होंगे, तो मैं सबको आपको वेलकम करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ।